अभी सारा बवाल क्यों मचा हुआ है और हर कोई इसके बारे में क्यों बात कर रहा है एंड व्हाई दिस इज सच अ बिग डील। रेड के सिनेमा कैमरास में होता है कंप्रेस्ड रॉ वीडियो, जो आपके लॉग वीडियो से तो बहुत ही डिफरेंट है। इन रॉ वीडियोस आप बहुत सारा डेटा कैमरे में रिकॉर्ड करते हो, बट द बेस्ट पार्ट इज अगर आपने बाय चांस कोई फुटेज गलती से ISO 1200 पे शूट कर लिया, क्योंकि अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप पोस्ट प्रोडक्शन में ही ISO तक चेंज कर सकते हो, इवन वाइट बैलेंस। यस, सही सुना, पोस्ट प्रोडक्शन में ही सेटिंग्स चेंज। वेयर एज जब आप बाकी ब्रांड्स के लॉग फुटेज में शूट करते हो, सोनी, कैनन, फूजी, तो यस वो आपको डायनेमिक रेंज तो देता है, बट ये सब सेटिंग्स आप नहीं चेंज कर सकते। एंड दैट इज व्हाई रॉ वीडियो इज इम्पोर्टेंट। एंड क्योंकि ये कंप्रेस रॉ है, सो दैट मींस आपको एक एक्सटर्नल SSD लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन योर मेमोरी कार्ड यू कैन शूट। और अब ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी निकॉन के पास है। निकॉन की कलर साइंस तो ऑलरेडी अच्छी थी, बट रेड की सिनेमा लाइन की साइंस और भी ब्रिलियंट है। तो हम कंज्यूमर्स के लिए आगे आने वाली टेक्नोलॉजी बहुत ही ऑसम होने वाली है, एंड फ्यूचर में कॉम्पिटिशन से निकॉन ऑलरेडी काफी आगे चला जाएगा, स्पेशली इन वीडियोस। निकॉन ने रेड को खरीद लिया और इससे इंडस्ट्री कैसे चेंज होगी और बाकी मैन्युफैक्चरर्स इससे कैसे अफेक्ट होंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि बाकी ब्रांड्स क्यों नहीं ये टेक्नोलॉजी लेके आ सकती, तो रेड ने इसके ऊपर एक पेटेंट 2005 में रजिस्टर किया था, सो दैट कोई भी अदर मैन्युफैक्चरर कंप्रेस रॉ अपने कैमरास में नहीं प्रोवाइड कर सकता। और अगर प्रोवाइड करना है तो दे हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट टू रेड, सॉरी नाउ निकॉन। और यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में रेड ने बहुत सारी कंपनीज को लॉसून भेजा है, और अब इस टाइप से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज का डोर खुल चुका है। कंप्रेस रॉ शेयर करो अभी अपने सारे उन दोस्तों के साथ जो निकॉन या फिर कोई और ब्रांड का कैमरा यूज करते हैं, एंड कमेंट में लिख के बताओ कि आपका क्या मानना है इस बारे में। मेरे लिए तो जस्ट फॉर द फैक्ट रॉ वीडियो में मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स आप पोस्ट प्रोडक्शन में ही चेंज कर सकते हो, इटसेल्फ इज अ गेम चेंजर।